तो जैसे कि आज महाशिवरात्रि है, तो आज का रेस्क्यू वीडियो भी शिव जी के टेम्पल में से ही होना चाहिए। अगर वो कोबरा का रेस्क्यू हो तो उससे भी बड़ी बात है। मजा आया। हे एवरीवन, दिस इज अक्षय। वेलकम टू आवर चैनल स्नेक्स एवर फैमिली। तो आज के इस वीडियो में हमने दो चीज़ें इंक्लूड की हुई है, दो रेस्क्यू नहीं, दो चीज़ें हमने इंक्लूड की हुई है, जिसमें से एक रेस्क्यू है और दूसरा कुछ कमेंट्स के हम आंसर्स देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं रेस्क्यू की ओर। तो पहला रेस्क्यू का कॉल हमें हमारे घर से करीबन 10 या 12 किलोमीटर दूर एक महुड़ी करके गांव है, वहाँ के एक शिव जी के टेंपल में से कॉल आया। उनके जो पुजारी थे उनका हमें हम पे कॉल आया कि हमारे जो रहने की जगह है उसके अंदर करीबन 4 दिनों से एक सांप फंसा हुआ है, या फिर बैठा हुआ है, या फिर ज़िंदा है, मरा है, हमें कुछ नहीं पता, आप जल्दी से इधर आइए। हम तुरंत वहाँ गए। वो मंदिर ज़मीन से थोड़ा ऊपर है, इसलिए वहाँ जाने के लिए हमें काफ़ी स्टेयर्स भी चढ़ने पड़ते हैं। उस मंदिर तक कार भी नहीं जाती, इसलिए हमें काफ़ी सारा रास्ता चल के तय करना पड़ा। उसके बाद हमने कुछ सीढ़ियाँ भी चढ़ी, उसके बाद हम उस मंदिर तक पहुँचे। तो चलिए वहाँ जाके सबसे पहले देखते हैं क्या सिचुएशन है और हम उस कैसे उस स्नेक को हैंडल कर रहे हैं। अंदाज तो ये तो इसको बहुत ना है। सही बात है। આ રીતનું જ છે। કોઈ કોસ્ટ કેવું કે થોડું તોડવું પડશે, તોડશે કોઈ જીવો છે ખરા? બસ બસ થાય जगह।
तो जैसे कि आपने देखा कि वो सांप करीबन 4 दिनों से वहाँ फंसा हुआ था, जो कि एक कोबरा स्नेक था। अब वहाँ 4 दिनों से वो फंस गया था, क्या कर रहा था किसी को कोई आइडिया नहीं, लेकिन हमें जब तक लगता है तब तक वो सांप फंसा हुआ था। तो चलिए अब बात करते हैं 2 कमेंट्स के बारे में। तो पहला कमेंट हमें सेव ट्री से आया है, उन्होंने हमें पूछा है कि सांप की बॉडी के अंदर विनम कहाँ होता है। ऐसे कई सारे लोगों को ये मिथ भी होता है कि सांप के पूरे बॉडी में जहर होता है, सांप को छूने से ही हमें जहर लग जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन सांप के अंदर जहर कहाँ होता है और उसके मुँह के अंदर होता है तो उसके मुँह के अंदर कहाँ होता है, ये सब आपको बताने वाला है। तो सबसे पहले तो सांप के अंदर जहर उसके मुँह के अंदर जो दांत होते हैं उसके ऊपर उसका जहर की एक थैली होती है, जैसे कि हमारे मुँह के अंदर जो हमारी सलाइवा होती है, जो हमारी लार बोलते हैं हम जिसे, वो होती है। और वैसे ही सांप के अंदर उसकी लार नहीं बल्कि एक जहर होता है। और अलग अलग सांपों में अलग अलग टाइप का जहर होता है, जैसे कि कोबरा में न्यूरोटॉक्सिक होता है, वाइपर में हीमोटॉक्सिक नाम का जहर होता है, अलग अलग सांप में अलग अलग जात का जहर होता है। सबसे पहले सांप के जो दांत होते हैं वो एक इंजेक्शन के निडल के जैसा काम करता है, यानी कि इंजेक्शन के सुई के जैसा काम करता है। जैसे कि इंजेक्शन के सुई के बीच में कुछ जगह होती है जिसमें से कोई लिक्विड अंदर से बाहर आ सकता है, सेम वैसे ही रचना उस सांप के दांत की होती है। तो उसमें से भी विनम आसानी से बाहर आ सकता है। जब भी वो किसी को काटता है तो अपने फेस के फोर्स के कारण विनम की जो उसकी बैग होती है वो प्रेस होती है, उसके कारण जो विनम होता है वो उसके दांत में से बाहर आता है, उसका दांत जो कि इंजेक्शन की तरह काम करता है। तो आप इस वीडियो में देखिए कि कैसे उसके दांत हमें बाइट करता है, तब कैसे हमारे बॉडी के अंदर वो विनम जाता है, वो विनम कहाँ से आता है, वो सब आप देख रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं दूसरे कमेंट के बारे में। तो दूसरे कमेंट में हमें ये पूछा गया है कि आपको कभी नागमणि मिला है। अब नागमणि के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा मिथ फैले हुए हैं कि वो सांप के सिर के ऊपर लगा होता है और वो बहुत ही रेयर सांपों में देखा जाता है, वो आपको आसानी से नहीं देखने को मिलेंगे। नागमणि की कीमत बहुत होती है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है। ये सारे हमें जब तक पता है तब तक ये सारे मिथ है, क्योंकि हमें आज तक इतने सालों से स्नेक रेस्क्यू करने के बावजूद हमें एक भी सांप नागमणि के साथ नहीं मिला। वैसे ये नागमणि की जो मिथ है वो कहाँ से शुरू होता है, तो ये सब मिथ शुरू करते हैं जो सपेरे होते हैं, जिसे गुजराती में हम यहाँ मदारी बोलते हैं। जो सपेरे होते हैं वो सब में कई जात के मिथ फैलाते रहते हैं, जैसे कि अगर सांप ये है त्रिशूल वाला है तो वो ये कर सकता है, उसके फूंक मारने से जो कॉटन होता है वो जल जाता है, ये सब उनके द्वारा फैलाए जाने वाले मिथ हैं। वैसे ही उसमें से एक मिथ ऐसा है कि सांप के सिर के ऊपर एक नागमणि होता है, वो एक कुछ सिंपल ही रचना होती है। लोग सिंपल एक मनी लेते हैं जो कि एक सिंपल एक चीज़ होती है, यानी कि वो 10 से 15 रुपए का सिंपल एक डुप्लीकेट डायमंड होता है। अब वो डायमंड वो सांप के सिर के ऊपर फेविक्विक या फिर कई बार तो वो कोई भी ऐसी चीज़ लेकर जिससे वो चिपक जाए, ऐसी चीज़ ले वो सांप के ऊपर वो चीज़ चिपका देता है, इसकी वजह से हमें ये लगता है कि उसके सिर के ऊपर वो नागमणि है। लेकिन ये टोटली एक मिथ है, सांप के सिर के ऊपर कभी भी हमको नागमणि नहीं मिल सकता। वैसे सांप के बारे में ऐसे कई सारे मिथ फैले हुए हैं, हमें काफ़ी सारे मिथ के बारे में मालूम है, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई मिथ अपने आसपास मालूम है तो आप हमें कमेंट में बताइए। अगर वो मिथ सच्चा है या फिर झूठा है, यानी कि वो मिथ बस्टर्ड है या फिर मिथ कन्फर्म है, वो सब हम आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में आगे बताते रहेंगे। अगर आपको भी ऐसा कोई मिथ मालूम है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए अब वो स्नेक को हम रिलीज़ करने के चलते हैं जो 4 दिनों तक वहाँ पड़ा हुआ था। वैसे वो स्नेक हेल्दी था लेकिन पता नहीं क्यों वो 4 दिनों तक वहाँ पड़ा हुआ था, चलिए उसे रिलीज़ करते हैं। बस तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। आपके पास भी कोई मिथ है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी भी वैल्यू लगी है तो आप अपने कुछ फ्रेंड्स को ये वीडियो फॉरवर्ड करें, ताकि वो भी जान सके कि नागमणि क्या होता है अगर और सांप के मुँह के अंदर जहर कहाँ होता है। बस तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।